नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा वाला विमान भारत को जल्द मिलने वाला है। बोइंग कंपनी द्वारा विशेष रूप से निर्मित दो बोइंग 777 एयरक्राफ्ट 20777 सितंबर तक भारत को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि विमानों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एंटी मिसाइल तकनीकी से लैस होती है। प्रधानमंत्री के साथ साथ इस विमान से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी यात्रा कर सकेंगे। पिछले साल अक्टूबर में सरकारी अधिकारियों ने कहा था कि केवल VVIP यात्रा के लिए इस्तेमाल होने वाले इन दोनों विमानों की डिलीवरी इस साल जुलाई तक की जाएगी, लेकिन संक्रमण काल के कारण इसमें देरी हो गई है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा के कुछ भागों में बारिश होने के असर हैं। यहाँ के कुछ इलाकों में तेज हवा के साथ वज्रपात के भी संभावना जताई गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के सभी जिलों में 10 से 12 जून तक हल्की बारिश और मेघ गरज की संभावना है। 15 अगस्त के बाद ही खुलेंगे स्कूल व कॉलेज। HRD मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि शैक्षणिक संस्थान 15 अगस्त के बाद खोले जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि उससे पहले स्कूल व कॉलेज की परीक्षाओं के लंबित रिजल्ट को घोषित कर दिया जाए। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि देखना यह है कि अगस्त से स्कूल कॉलेज फिर से खुले तो इनके लिए दिशा निर्देश क्या होंगे। आपको बता दें कि राज्य में मार्च से ही स्कूल कॉलेज बंद हैं। झारखंड में आज 187 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो सिमडेगा से 59, धनबाद से 19, गुमला 18, चतरा 17, लातेहार 14, लोहरदगा 13, पाकुड़ 12, जामताड़ा 9, देवघर 5, गढ़वा 5, पूर्वी सिंहभूम 4, गिरिडीह 1, खूंटी 3, हजारीबाग 3, रांची 3, रामगढ़ 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमित संख्या 1143 से बढ़कर 1330 हो गई, जबकि 519 लोग स्वस्थ हुए, 7 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 265869 है, जबकि 129088 लोग स्वस्थ हुए और 7473 की मृत्यु हो गई। झारखंड के 11800 मजदूर बॉर्डर पर देंगे योगदान मुख्यमंत्री। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीमा सड़क संगठन के लिए राज्य के 11800 श्रमिकों की भर्ती को लेकर BRO को अनुमति दे दी है। श्री सोरेन ने कहा कि हम हमारे श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारे आदिवासी भाइयों ने लंबे समय तक राष्ट्र की सेवा की है और उसकी सीमाओं का निर्माण किया है। हम हमारे मजदूरों को राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में भेज रहे हैं, लेकिन उनके सम्मान, कल्याण, अधिकार, लाभ और गरिमा के साथ किसी तरह के समझौता को स्वीकार नहीं करेंगे। झारखंड में शराब की बिक्री 70% तक घटी। झारखंड में लॉकडाउन के बाद शराब की दुकानों तो खुली, लेकिन शराब का कारोबार ठप पड़ गया है। ऐसे में शराब दुकान अपनी दुकानों को सरकार को सौंपने की तैयारी में है। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 70% तक शराब की बिक्री घट गई है। इसके बाद भी सरकार दुकानदारों से तय तिथि में राजस्व लेने की तैयारी कर रही है। दुकानदारों के अनुसार यदि सरकार ऐसा करती है तो दुकानों को बंद कर सरकार को सौंप देंगे, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और विकल्प नहीं बच गया है। पारा शिक्षकों की नियमावली पर बैठक आज। पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को लेकर आज 9 जून को बैठक होगी। इस बैठक में शिक्षा परियोजना द्वारा तैयार नियमावली के ड्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नियमावली को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि निजी स्कूल फीस निर्धारण को लेकर भी आज ही बैठक होगी, जिसमें निजी स्कूल और अभिभावक संघ के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे। कपड़ा व्यवसायी धर रखे सरकार को सबकी चिंता है मंत्री। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य सरकार जीवन की रक्षा के साथ जीविका उपलब्ध कराने के मोर्चे पर तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अब भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं, जिससे संक्रमण के मामले में भी बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी ओर कपड़ा व्यवसाय, जूता चप्पल से जुड़े प्रतिनिधि भी लगातार उनसे मिल रहे हैं। सरकार को उनकी भी चिंता है, लेकिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए छूट देने पर निर्णय लेगी। मैट्रिक और इंटर टॉपर को सरकार देगी अल्टो कार। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो 1 माह का वेतन एक सरकारी स्कूल को देंगे। उन्होंने बताया कि स्कूल के नाम की घोषणा जल्द की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपर छात्र छात्राओं को अल्टो कार देंगे, इसकी घोषणा की गई है। प्रवासियों को रोजगार देने की पॉलिसी बताए सरकार, रघुवर दास। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार को सिर्फ बयानबाजी नहीं करना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए कि झारखंड लौटकर आए प्रवासी को रोजगार देने की क्या पॉलिसी बनाई गई है। उन्होंने कहा कि राज्य में लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, सरकार को चाहिए कि टेस्ट में तेजी लाए ताकि राज्य संक्रमण से मुक्त हो सके।
रघुवर दास ने कहा कि सरकार में इच्छा शक्ति की कमी है, डर से शासन नहीं चलता है, सरकार को ठोस निर्णय लेनी चाहिए। राज्य के शिक्षकों की होगी तबादला। सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की तबादला की तैयारी शुरू कर दी है। हर जिले में जोन के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। जिन जिलों में अब तक शिक्षकों की लिस्ट तैयार नहीं हुई है उन्हें 15 जून से पहले सूची तैयार करने का निर्देश दिया गया है। मालूम हो कि सूची में शिक्षकों के नाम, योगदान की तिथि, वर्तमान में किस स्कूल में है, इससे पहले कब कब कहाँ थे, किस जोन में है, इसकी जानकारी ली जा रही है। उम्मीद है नए स्थानांतरण नियमावली आधार पर इस माह के अंत से शिक्षकों का तबादला किया जाएगा। लेह से 55 प्रवासी श्रमिक लौटे झारखंड। प्रवासी श्रमिकों का झारखंड लौटने का सिलसिला जारी है। ऐसे में श्रमिकों को राज्य सरकार हवाई जहाज से झारखंड ला रही है। लेह से 55 प्रवासी श्रमिक कल हवाई जहाज से झारखंड लौटे, जिन्हें रांची एयरपोर्ट पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर एवं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने स्वागत किया। सभी मजदूरों का स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें गृह जिला के लिए रवाना किया गया। मैट्रिक इंटर की कॉपियों में रिश्वत। झारखंड एकेडमी काउंसिल की ओर से इंटर और मैट्रिक की कॉपियों का मूल्यांकन कराया जा रहा है। मूल्यांकन के दौरान देखा जा रहा है कि कुछ छात्रों ने परीक्षा में पास और अधिक नंबर देने के लिए शिक्षकों से गुहार लगाई, तो कुछ छात्रों ने कॉपी में 200 और 500 के नोट भी रखे। आपको बता दें कि रांची के विभिन्न केंद्रों पर शिक्षकों को कॉपियों में रुपये मिले। शिक्षकों के मुताबिक जिन कॉपियों में पैसे मिल रहे हैं वे सभी फेल होने के श्रेणी में ही हैं। रांची के सातों इलाके माइक्रो कंटेनमेंट जोन मुक्त। रांची जिला के सातों माइक्रो कंटेनमेंट जोन में मेडिकल टीम द्वारा सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है और संदिग्ध की जांच भी कर ली गई है। सभी सैंपल की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी सात माइक्रो कंटेनमेंट जोन को सील मुक्त कर दिया गया। आपको बता दें कि सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक 21 दिनों से इन क्षेत्रों में एक भी मरीज नहीं मिलने के बाद ही मुक्त करने का फैसला लिया गया है। गुमला में कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर महिला से 82,000 की ठगी। गुमला जिला से एक ठगी का मामला प्रकाश में आया है। कौन बनेगा करोड़पति से पैसा जिताने का झांसा देकर एक महिला से ठगों ने 82,000 रुपये ठग लिए। खुटी के बाड़ी गांव के आपसी रंजिश में एक युवक की हत्या कर दी गई। यह मामला खुटी जिला के सायको थाना क्षेत्र के बाड़ी गाँव का है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कपड़ा व्यापारियों ने आलमगीर आलम को दुकान खोलने की सौंपा ज्ञापन। झारखंड थोक वस्त्र विक्रेता संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात कर कपड़ा दुकान खोलने की अनुमति मांगी है। व्यापारियों ने मंत्री को कुछ सुझाव भी दिए हैं और कहा है कि इतने दिनों तक लॉकडाउन में दुकान बंद रहने से राज्य भर के 15 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे भी गर्मी का सीजन गुजर चुका है, मानसून के दौरान कारोबार पर भी संकट कायम होता है, इसे देखते हुए व्यापार संचालन करने की अनुमति दी जाए। रांची मेयर ने मोदी किट का किया वितरण। मेयर आशा लकड़ा ने गरीब व असहाय मजदूरों के बीच मोदी किट का वितरण किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को वैश्विक महामारी से बचाव के लिए शारीरिक दूरी के निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। इधर सांसद संजय सेठ ने खलारी में विभिन्न स्थानों पर मोदी आहार व मोदी किट का वितरण किया और महामारी से बचाव का उपाय बताए। संसद ने लगभग 500 लोगों के बीच मोदी किट और मोदी आहार का वितरण किया। हाई रिस्क वाले स्वास्थ्य कर्मी ही जाएंगे क्वारंटाइन में। संक्रमण काल में ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सा नर्स अब रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर ही क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। रिम्स प्रबंधन ने स्वास्थ्य मंत्रालय का हवाला देते हुए आदेश निकाला है कि अब हाई रिस्क वाले स्वास्थ्य कर्मी को ही क्वारंटाइन में भेजे जाएंगे। इधर राजधानी रांची के ईस्ट जेल रोड स्थित अस्पताल में सेंटर बनाने का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया तथा संदिग्ध व एम्बुलेंस को वापस लौटा दिया। धनबाद में चप्पल बैंक का शुभारम्भ। धनबाद जिला प्रशासन एवं फेडरेशन ऑफ धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिलकर चप्पल बैंक बनाने का जो सपना था वह साकार हुआ। SDO राज महेश्वरम ने सोमवार को चप्पल बैंक का शुभारंभ किया और कहा कि लॉकडाउन के कारण धनबाद में कोई भी भूखा न रहे कार्यक्रम शुरू किया गया था। कार्यक्रम के तहत सभी को भोजन प्राप्त हो रहा है। HEC के खिलाफ 15 जून को प्लांट पर प्रदर्शन। HEC के कामगार वेतन और पे स्केल नहीं मिलने से नाराज हैं। कामगार और मजदूर को हड़ताल खत्म करने के लिए 2 मार्च को कंपनी ने वादा किया था।
जो पूरा नहीं होने के कारण कामगारों का कहना है कि प्रबंधन के पास पैसा है पर कर्मचारियों को वेतन देने में देरी की जा रही है। कामगार एक बार फिर से 15 जून को काम ठप करने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे ज्यादा बेरोजगार झारखंड में बढ़े। झारखंड में आधे से अधिक लोगों को रोजगार छीन गया है। देश में सबसे अधिक बेरोजगार लोगों का हिस्सा झारखंड में हो गया है। मई महीने में झारखंड में बेरोजगारी 59.2% हो गई है, जो देश के सभी राज्यों से ज़्यादा है। झारखंड में राष्ट्रीय औसत 22.5% के मुकाबले 2.5 गुना से भी अधिक बेरोजगारी है, जो कि पड़ोसी बिहार में 46.2% है। देवघर में नो मास्क नो पेट्रोल लागू। देवघर में नो मास्क नो सर्विस, नो मास्क नो पेट्रोल, नो मास्क नो बैंकिंग आदि की तर्ज पर सोमवार को शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर जिला प्रशासन एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सहयोग से जागरूक कार्यक्रम संचालित किया गया। सभी को मास्क देकर अपील की गई कि बिना मास्क के न तो सामान बेचे और न ही ग्राहकों को दे। उधर रामगढ़ में बिना मास्क के पकड़े जाने पर 500 रुपये की जुर्माना का प्रावधान है। गोवा में फंसे झारखंड के 1000 श्रमिक पर संकट। गोवा के रेलवे स्टेशन पर झारखंड लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों की भीड़ उमड़ने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आनंद फानन में 7 बजे शाम को खुलने के लिए निर्धारित श्रमिक स्पेशल ट्रेन को आधा घंटा पहले ही रवाना करने का आरोप लगाया गया। इस संबंध में नेशनल फिशर वर्कर्स ने रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 1000 झारखंड के श्रमिक के फंसे होने की जानकारी देकर वापसी कराने की मदद मांगी है। पलामू के सभी प्रखंड में भाजपा का फिजिकल कार्यक्रम निर्धारित। केंद्र सरकार की मोदी सरकार 2.0 के प्रथम एक वर्ष में हुए कार्यों के साथ भाजपा कार्यकर्ता आगामी 10 जून को फिजिकल कार्यक्रम के तहत घर घर जाएंगे एवं जन जन को बताएंगे। लॉकडाउन के कारण रांची में 5000 शादियां कैंसिल हुई। गढ़वा में वकील के संक्रमित मिलने के बाद अधिवक्ता संघ भवन को सील कर दिया गया। रांची के लालपुर से देह व्यापार सरगना और एक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विमान हादसे में जमशेदपुर के पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई और सरयू राय ने कतरी नदी के अस्तित्व को हर हाल में बचाएंगे। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।